आइए सुनाते हैं आपको सिखरानी में रहने वाले एक होनहार छात्र सुमित शर्मा की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं सिखरानी गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव देहात में होने की वजह से कोचिंग सेंटरों की दूरी अधिक होने के कारण एवं आर्थिक तंगी होने के कारण मैं अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पा रहा था। जब मैं पढ़ता था तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा दिखती, तो मेरे पिताजी पेंटर का काम करते थे, उन्होंने मुझे कभी भी पीछे नहीं हटने दिया। वो मुझको सपोर्ट करते थे कि तू आगे बढ़ आगे बढ़, और उनकी अगर जेब में नहीं पैसे भी नहीं होते थे, वो सपोर्ट करते थे कि मैं दूंगा, चाहे वो किसी से लेके दे, चाहे वह लोन ले, चाहे कुछ करे। फिर मैंने खुद अपने पापा के साथ लग के पेंटिंग का काम किया, और दिन में पेंटिंग का काम करना और शाम को अपना पढ़ाई भी करनी अड्डा 247 से, और इसी को करके मैंने सक्सेस लिया। आर्थिक तंगी की वजह से मैं अड्डा 247 से जुड़ा, और रात को ऑनलाइन वीडियो देखना और नोट्स बनाना। मेहनत करते करते इसके उसे देखते हुए मैं ये दिन में काम भी पेंटिंग का कर रहा, जबकि बीए फाइनल करने के बाद बालक पेंटिंग का काम नहीं करेगा। क्या एक लेबर क्लास का आदमी एक रंग बिरंगे कपड़े पहन के, कोई आदमी गैल का पढ़ने वाला वे भी नहीं कहवे नहीं कि यार तू अपने बाप की गैल लग रहा। तो ये कभी कभी मुझे बताया करा है कि मेरी गैल के ऐसे कहते, मगर तैने क्या बताया उन्हें, क्योंकि मैंने बताया कि जितने तेरा बाप कमाते होगा इतना मैं अपने बाप को कमा के दे रहा हूँ। तो यूँ मुझे गर्व की बात थी। मेरे मम्मी पापा का सर फक्र से ऊंचा हो गया, और मेरे गांव में भी मेरी रेस्पेक्ट बढ़ी, और सब मुझे एक अच्छे से, मतलब एक पहले के मुकाबले और अच्छे से देखने लगे। मुझे यूनिफॉर्म पहन के गर्व फील होता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, और सलाह देता हूँ कि जो तैयारी कर रहेगी वो भी आगे बढ़ें और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें। ग्रामीण भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और अंतिम मील में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2010 में अड्डा 247 की स्थापना की गई थी। हम अपने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर साल 4 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को छूते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमारे 65,000 से अधिक छात्र विभिन्न सरकारी नौकरियों में चुने गए हैं।